अध्याय तीन। सो हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर, जिसे हम अंगीकार करते हैं, ध्यान करो, जो अपने नियुक्त करने वालों के लिए विश्वास योग्य था, जैसा मूसा भी उसके सारे घर में था, क्योंकि वो मूसा से इतना बढ़कर महिमा के योग्य समझा गया है जितना कि घर का बनाने वाला घर से बढ़कर आदर रखता है। क्योंकि हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है, पर जिसने सब कुछ बनाया वो परमेश्वर है। मूसा तो उसके सारे घर में सेवक की नाई विश्वास योग्य रहा कि जिन बातों का वर्णन होने वाला था उनकी गवाही दे, पर मसीह पुत्र की नाई उसके घर का अधिकारी है। यदि हम साहस पर और अपनी आशा के घमंड पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें, तो उसका घर हम हैं। सो जैसा पवित्र आत्मा कहता है कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर न करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था, जहां तुम्हारे बाप दादों ने मुझे जांच कर परखा और 40 वर्ष तक मेरे काम देखे। इस कारण मैं उस समय के लोगों से रूठा रहा और कहा कि इनके मन सदा भटकते रहते हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। तब मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने न पाएंगे। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो जीवते परमेश्वर से दूर हट जाए। वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें, तो हम मसीह के भागी हुए हैं। जैसा कहा जाता है कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर न करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय किया था। भला किन लोगों ने सुनकर क्रोध दिलाया? क्या उन सब ने नहीं जो मूसा के द्वारा मिस्र से निकले थे? और वो 40 वर्ष तक किन लोगों से रूठा रहा? क्या उन्हीं से नहीं जिन्होंने पाप किया? उनकी लोथे जंगल में पड़ी रही। उसने किन से शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाओगे? केवल उनसे जिन्होंने आज्ञा ना मानी। सो हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश ना कर सके।